हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट के अंदर करेंगे टारगेट कॉस्टिंग। ऐसे कि देखो, मार्केट के अंदर जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो 3 C's हैं जो हमारी डिमांड और सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, डेट इज़ कस्टमर, कॉम्पिटिटर एंड कॉस्ट। और जो कस्टमर्स होते हैं वो प्राइस कॉन्शियस होते हैं, उनको ये होता है कि हमें बढ़िया चीज़ जो है कम कॉस्ट पर मिलनी चाहिए। तो इसलिए क्या है, जो कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, इनका रोल जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट है। फर्म जो है वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से टारगेट कॉस्टिंग की तरफ मूव कर रही है। जो टारगेट कॉस्ट होती है ये एक प्रोएक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म होता है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली टारगेट कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेस होता है ये होता है कि कस्टमर, हाउ मच कस्टमर इज़ रेडी टू पे। टारगेट कॉस्टिंग जो है डैट इज़ बेस्ड ऑन मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, और नेचुरली यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है वो कितना देने के लिए तैयार है। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कस्टमर इतना देने को तैयार है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये कॉस्ट होनी चाहिए, इतना हमारा इसके अंदर प्रॉफिट होना चाहिए। टारगेट कॉस्टिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मतलब होता है कि नेचुरली यहाँ पर हम इसके अंदर पूरी टारगेट प्राइस लेके उसके अंदर हर चीज़ को एनालाइज करके हम देखते हैं फॉर डिटर्मनिंग द कॉस्ट एट विच ए प्रपोज प्रोडक्ट विद स्पेसिफाइड फंक्शनैलिटी एंड क्वालिटी। फंक्शनैलिटी होता है जो उसके फीचर्स होते हैं, जो उसने फंक्शन परफॉर्म करना होता है, मस्ट बी प्रोड्यूस टू जनरेट ए डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एट इट्स एंटिसिपेटेड सेलिंग प्राइस। जो टारगेट प्राइस है नेचुरली यहाँ पे हम जो कस्टमर रेडी है पे करने के लिए वो सेल प्राइस लेके चलते हैं, उसके अंदर से हम देखते हैं कि कितना हमारा प्रॉफिट होएगा, जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ये हमारी टारगेट कॉस्ट होनी चाहिए। और पीटर ड्रकर जो है वो कहता है कि यहाँ पे प्राइस के बेसिस पे हम कॉस्टिंग करते हैं, इनफैक्ट कॉस्ट के बेसिस पे प्राइसिंग नहीं करते। क्योंकि जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम था उसके अंदर क्या होता था कि हम चीज़ें मैन्युफैक्चर करते थे, उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती थी, फिर उसके अंदर हम अपना मार्जिन ऐड करते थे, फिर उसके बेसिस पे हम प्राइस डिटरमिन करते थे। लेकिन जो टारगेट कॉस्टिंग है यहाँ पे क्या है, ये प्राइस लेड, डैट इज़ ड्राइव फ्रॉम द प्राइस, कि ये टारगेट प्राइस है, इसके बेसिस पे क्या है कि हमने टारगेट कॉस्टिंग जो है देखनी है कि कितनी हम कॉस्टिंग कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि देखो, जो टारगेट कॉस्टिंग के फीचर है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट कॉस्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं जो हमने अचीव करनी होती है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कस्टमर, हाउ मच कस्टमर ही इज़ रेडी टू पे, कस्टमर उसके लिए कितना देने को तैयार है। ये जो अप्रोच है प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि हम पहले ही कस्टमर के ऊपर सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं कि कस्टमर कितना देने को तैयार है, ठीक है, उसके हिसाब से हम क्या होता है कि अपनी कॉस्ट को मतलब देखते हैं कि इतनी कॉस्ट में हमने उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है। और जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है यही होता है कि हमने, चाहे वो नया प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट को हमने मिनिमाइज़ करना है, और ताकि हम अपने प्रॉफिट लेवल को मेंटेन कर सकें। और यहाँ पे क्या होता है कि जो नया प्रोडक्ट हमने टारगेट कॉस्टिंग के बेसिस पे मैन्युफैक्चर करना है वो क्वालिटी के साथ, डिलीवरी के साथ, टाइमिंग के साथ, जो मार्केट एक्सपेक्ट करती है उस पैरामीटर के ऊपर खरा उतरे। और यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली हर एक, क्योंकि यहाँ पे हमने टारगेट प्राइस, प्राइस के बेसिस पे उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है, क्वालिटी को भी मेंटेन करना है, तो एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या होता है, कॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड मोटिवेशनल लेवल जो होता है हाई हो जाता है कि हमने इस टारगेट कॉस्ट के अंदर उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करना है। जैसे रतन टाटा ने जब नैनो डेवलप की थी तो उसने कहा था कि मैंने इसकी टारगेट प्राइस जो है 1 लाख पे इसको सेल करना है। उस हिसाब से आप देखो कि हम किस कॉस्ट पे इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और टारगेट कॉस्टिंग का जो प्रोसेस है, देखो यहाँ पे हम पहले मार्केट के अंदर मार्केट एंड प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हाउ मच कस्टमर इज़ रेडी टू पे, उसके हिसाब से हम देखो जो टारगेट कॉस्ट होती है उसके अंदर हम देखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, हम देखते हैं कि उसको और फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं, और कोशिश होती है कि हमारी जो अल्टीमेट टारगेट कॉस्ट है वो अचीव हो जाए।
देखो जो हमारा प्रोसेस है टारगेट कॉस्टिंग के अंदर, यहाँ पे देखो हमने एक प्रोडक्ट जो है मार्केट के हिसाब से, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर करना होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो टारगेट कॉस्ट जो हमने फिक्स करनी है, ये टारगेट प्राइस से हम ड्राइव करते हैं। और जो टारगेट प्राइस जो है वो हम देखते हैं, मार्केट स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, जिसके बेसिस पे हम देखते हैं, डाटा गैदर करते हैं, जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि जो कस्टमर है वो इतनी प्राइस देने को तैयार है। उसके बेसिस पे क्या होता है कि हम जो टारगेट कॉस्ट है, नेचुरली वहाँ पे हम टारगेट जो सेल प्राइस है उसके अंदर से अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये अल्टीमेटली टारगेट कॉस्ट होनी चाहिए जो हमने अचीव करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं हर छोटी जो भी उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो भी चीज़ यूज़ होनी है, हम देखते हैं कि ये हम कैसे इसको इस कॉस्ट पैरामीटर्स के अंदर ला सकते हैं, कैसे हम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे हम इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्वालिटी को ऐड कर सकते हैं। वैल्यू इंजीनियरिंग जो होता है, नेचुरली वहाँ पे हम देखते हैं कि हम चीज़ वही मैन्युफैक्चर करें जो कस्टमर की डिज़ायरेबिलिटी है। यहाँ पे नेचुरली रीडिज़ाइनिंग करते हैं, रीएग्जामिनिंग करते हैं, ताकि हम कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट के पैरामीटर के अंदर ला सकें। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, नेचुरली हम कोशिश करते हैं कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वैल्यू इंजीनियरिंग के द्वारा, री इंजीनियरिंग के द्वारा क्या है कि इसको हम लेस करें। और यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे जो हमारा फोकस होता है कि जो हमारी करंट कॉस्ट होती है उसको हम टारगेट कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। और जो मैनेजमेंट का फोकस होता है यही होता है कि हमने टारगेट कॉस्ट को अचीव जो है कैसे करना है। उसके बाद देखो ये टारगेट कॉस्ट शीट है, जिसके अंदर क्या है, टारगेट प्राइस है, उसके अंदर से हमने टारगेट मार्जिन माइनस कर देना है। फिर उसके अंदर क्या है कि टोटल टारगेट कॉस्ट है, जिसके अंदर से हमने देखना है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे क्या हैं, अदर मैन्युफैक्चरिंग खर्चे क्या है। फिर उसके बेसिस में हमने देखना है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगी, उसके अंदर से हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को निकालना है। फिर उसके बेसिस पे हमने देखना है कि हमारी जो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो कितनी आएगी। फिर उसके बेसिस पे नेचुरली हम अपनी, मतलब इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो टारगेट कॉस्ट के अंदर होनी चाहिए। देखो जो बेनिफिट है, नेचुरली यहाँ पे क्या होता है कि हमने टारगेट प्राइस से टारगेट कॉस्ट को ड्राइव किया है, तो नेचुरली ऊपर से लेके नीचे तक हर लेवल जो है कमिटेड होता है, डेडिकेटेड होता है कि हमने इन पैरामीटर्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करनी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको ऊपर कॉस्ट का टारगेट है कि आपकी ये चीज़ जो है इस कॉस्ट के पैरामीटर पे होनी चाहिए। और नेचुरली यहाँ पे क्या होता है कि हम जो कस्टमर चाहता है, जो कस्टमर इज़ रेडी टू पे, उसके हिसाब से चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली हम हर मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो अंडर कंट्रोल रहे। देखते हैं कि कहाँ पे अननेसेसरी कॉस्ट को हम कट कर सकते हैं। यहाँ पे वी आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट विद द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड वट कस्टमर इज़ रेडी टू पे। और यहाँ पे नेचुरली देखो हमारी जो कॉस्ट है कस्टमर की विलिंगनेस के साथ हम उसको अटैच कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेस होता है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट होता है। और यहाँ पे हर बंदा जो होता है टीम स्पिरिट के अंदर काम करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। और यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है कि अगर हम कस्टमर को प्रोडक्ट जो है उसके हिसाब से देते हैं, उसकी प्राइस से देते हैं, तो नेचुरली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना मार्केट शेयर जो है पहले से इम्प्रूव कर सकते हैं।